उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिलियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले इदारे इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से 2002 में किया गया और इसका मकसद इस मासूम सी दोस्त यानी बिल्ली के ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी बिलियों से मुतल्लिक है, जिसे शेर की खाला भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बिलियों से मुतल्लिक दिलचस्प हकायक आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर बिलियां कहां रूपोश हो जाती हैं, वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक की हर तखलीक करदा मखलूक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। इन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला खराब और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक्त अल्लाह अज़्वजल ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को जोरदार छींक आई और इसकी नाक के दोनों नथनों से बिलियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिलियां कहां रूपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिलियां उस रोज कहां जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं, मगर कई रिवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिलियां इस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं, जहां इनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में इनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिलियों के गायब होने की वाज़ह वजूहात बयान नहीं की गई, खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो, तब ये बिलियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिलियां अचानक कहां चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिलियां इस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिलियां खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है, जो इन बिलियों को खौफजदा कर देता है और बिलियों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की जात को मालूम है। जबकि एक हैरानकुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज कुर्बानी के फरिश्ते हाजिरी देते हैं और इन फरिश्तों को देखकर बिलियां डरकर वहां से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिलियां उस रोज कहीं नहीं जाती, बल्कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से बिलियों को इन जगहों पर घूमते फिरते देखा है। नाज़रीन, बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीत और निजस नहीं होता, क्योंकि रिवायात में आता है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में इशारा किया कि इसे रख दे और बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली निजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। अगर बात की जाए घर में बिल्ली पालने के बारे में, तो इस बारे में फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मूजी और निजस जानवर नहीं है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती है, और निजस इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निजस ना होने का बता दिया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिलियों पर रहम फरमाते थे और इन्हें पालते थे, हत्ता कि वो इन्हीं की कुनियत के साथ मशहूर हो गए, तो लोग इनका असल नाम ही भूल गए। अगर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलियां पालना साबित है,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निजस नहीं कहा तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। माहरीन के मुताबिक बिल्लियां डिप्रेशन को कम करती हैं, इसलिए चाहे कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया जाए या सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली के सुनने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, जबकि आपको यह जानकर हैरत होगी कि बिल्ली मीठे का टेस्ट नहीं ले सकती। बिल्ली की ज्यादा से ज्यादा दौड़ने की रफ्तार 31 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई है। बिल्ली की नजर बहुत तेज होती है, बिल्लियां वाइब्रेशन को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं और जलजला आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले बिल्ली को मालूम हो जाता है कि जमीन हिलने वाली है। बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है, जबकि बाकी जिस्म पर इसको पसीना नहीं आता। बिल्ली का दिल एक मिनट में 110 से 140 के प्लस रेट से धड़कता है। बिल्ली 70 मीटर ऊंचाई से गिर जाए तो बिल्ली को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि बिल्ली का जिस्म बहुत लचकदार होता है। बिल्ली जब भागते है तो भागते वक्त अपना सर नहीं हिलाती। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि बिल्लियों की अलग शनाख्त के लिए नाफ का प्रिंट इस्तेमाल होता है, जैसे इंसानों की शनाख्त के लिए हाथों की उंगलियों का प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। बिल्लियां जब आपस में बात करती हैं तो म्याऊं का इस्तेमाल नहीं करती। बिल्ली का जबड़ा बाएं तरफ और दाएं तरफ घूम नहीं सकता, इस वजह से बिल्ली ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चबा सकती और छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है। बिल्ली के जिस्म में 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली अपनी टांगों की मदद से अपने कद से तकरीबन 7 गुना लंबी छलांग लगा सकती है। बिल्ली के आगे वाले हाथों में 5 पंजे होते हैं और पिछले पैर में 4 होते हैं। बिल्ली जब बहुत ज्यादा गोश्त खा लेती है तो इसको बदहजमी हो जाती है, फिर ये थोड़ा सा घास खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से इसका मैदा तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्ली रात को अंधेरे में हर चीज वाजे देख सकती है, जैसे दिन में चीजें देखती है वैसे ही रात को भी देख सकती है, और बिल्ली रंगों में तमीज नहीं कर सकती, इसलिए बिल्ली को घास सुर्ख रंग का दिखाई देता है। बिल्ली जब मर जाती है तो दूसरी बिल्ली इसका गम मनाती है और मरने वाली बिल्ली को जमीन में दफन कर देती है। दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि बिल्लियां पानी से बहुत डरती हैं? इसलिए बिल्ली पानी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि पानी में गिरने के बाद बिल्लियों का जिस्म अच्छी तरह से काम नहीं करता। बिल्ली के कान में 32 मसल्स होते हैं। 1963 में साइंसदानों ने सबसे पहले खला में बिल्ली को भेजा था, जो हिफाजत के साथ वापस भी आ गई थी। ये बात आपके लिए काफी हैरान कन होगी कि शैतानी अमल करने वाले लोग काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यानी काली बिल्ली की कुर्बानी करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखती है। इसके अलावा बिल्ली मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। अगर आप रंगीन बिल्ली का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक शख्स जिसके इरादे अच्छे नहीं है वो खुद को जाहिर करेगा, जबकि ये आप पर मुनासिर है कि आप उसे तकलीफ देंगे या नहीं। अगर आपको ख्वाब में सफेद बिल्ली नजर आती है तो ये इंतबाह है कि मीठी बातें करने वालों से होशियार रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।